बनारस में सीर गोवर्धन में संत रविदास की जन्म स्थली पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि रविदास जी के संकल्पों को पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। बरसों पहले से संत रविदास जी के विचारों से प्रेरणा मिल रही है। वो ऐसे संत हैं जिन्हें किसी धर्म पंथ की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। भारत सरकार संत रविदास जी के विचारों को आगे बढ़ा रही है। पीएम ने संत गाड़गे को किया नमन, कहा केंद्र में सबसे गरीब वंचितों के लिए सबसे बड़ी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, योजनाओं से वंचित समाज के लोगों को लाभ। पीएम ने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोगों की सोच केवल चुनाव तक सीमित, दलित समाज के नाम पर राजनीति करने वाले दल सिर्फ अपने लाभ के लिए काम करते हैं। वहीं सीर में सभा स्थल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सीर को 10 साल में मोदी जी ने भव्यता प्रदान की है। पहले संकरी सड़कें और अब नया रूप दिख रहा है। मेरा नाम नवरत्न है, मैं कैलाश मठ गुरुकुलम से मैं पढ़ता हूँ। मैं व्याकरण भाषण पर भाषण दिए थे, प्रथम स्थान पर जी। क्या बातचीत हुई, क्या हालचाल पूछा आपसे? उन्होंने पूछा कि और भी आगे ऐसा अच्छा काम करना और भी प्रथम पुरस्कार लाना, और ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी लगा। आपको प्रधानमंत्री से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा कि आज हमारा मेरा सपना साकार हो गया है। सोचे थे प्रधानमंत्री से कभी मुलाकात होगी? नहीं, लेकिन आज हो गया वो। अच्छा लगा जी। अच्छा कि हमने कैसे प्रतिभाग किया और उन्होंने हमें बहुत बधाई भी दी। क्या बना रहे हो? जी, मैंने काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था भेलूपुर जोन में, और मैं निवेदिता शिक्षा सदन बालिका इंटर कॉलेज की विद्यार्थी हूँ। मेरा नाम स्वीकृति मिश्रा है। प्रधानमंत्री जी से बात करके बेटा कैसा लगा आपको, क्या हालचाल हुआ? मुझे बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हुआ और उन्हें इतने करीब से देखने का अवसर प्राप्त हुआ, ये बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए। नहीं है ये भारत की शाश्वत चेतना का जागृत केंद्र है। एक समय था जब भारत की समृद्धि गाथा पूरे विश्व में सुनाई जाती थी। इसके पीछे भारत की केवल आर्थिक ताकत ही नहीं थी, इसके पीछे हमारी सांस्कृतिक समृद्धि भी थी, सामाजिक और आध्यात्मिक समृद्धि भी थी। काशी जैसे